इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा। सर, जिस तरीके से हल्द्वानी में जो हिंसा हुई है, एक साजिश शुरुआती तौर पर साजिश की बात कही जा रही है। देखिए, हल्द्वानी में निश्चित रूप से कोई साजिश ही हो सकती है, क्योंकि अभी जो महत्वपूर्ण जो बिल आया है उसको लेकर के मैं समझता हूँ उसमें संदेह के घेरे में है। लेकिन उत्तराखंड में माननीय धमी जी की सरकार निश्चित रूप से कंट्रोल करेगी और उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। बस एक आखिरी सवाल, कांग्रेस कह रही है कि ऐसा माहौल बना रही है राज्य सरकार की तरफ से, उसके ऊपर सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस के सवाल खड़ा करने से कुछ नहीं हुआ। देश की जनता के सामने पारदर्शी तरीके से श्वेत पत्र हमने रख दिया है। तुम्हारे कार्यकाल 10 साल में क्या रहा है और माननीय मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में क्या रहा है देश की जनता के साथ? चुनाव जीतने के लिए इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, इस तरीके की बात है कांग्रेस की तरफ? देखिए, चुनाव जीतने के लिए माने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से 400 पार होने की बात हो रही है, निश्चित रूप 400 पार होंगे और हम कह सकते हैं कि 2019 में ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ में माने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम ये करने जा रहे हैं। साफ तौर पर बीएल वर्मा का ये कहना है कि अभी उत्तराखंड में जो कानून बनाने की बात हो रही है, जो बिल लाया गया है, यानी कि एक तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके बाद में इस तरीके के हालात बनाने की कोशिश की जा रही है और उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। अंकित गुप्ता, IBP न्यूज़, दिल्ली।